दोस्तों नमस्कार। दोस्तों राजस्थान में विधानसभा चुनावों की स्थिति क्लियर हो चुकी है। 9 तारीख नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी और ऐसे में जिनको फॉर्म उठाने थे उन्होंने उठा दिए, जिनको जिनका समर्थन करना था वो भी कर दिए और जो चुनावी मैदान में थे वो भी रह गए। अब ऐसे में अलग अलग विधानसभाओं का विश्लेषण करके हम आपको बताएंगे कि वहां की क्या स्थिति है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिन मुद्दों को लेकर भी बात करना जरूरी है कि इन मुद्दों को लेकर क्या चर्चाएं हो रही है, उसकी हकीकत क्या है और उनको लेकर हमने क्या जाना है, हमने क्या देखा है। हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उसके माध्यम से आपको अलग अलग विधानसभाओं के क्या समीकरण है, कौन किसके सामने लड़ रहा है, किसने क्या समीकरण बिठाया है, वो बातें भी करेंगे। बाड़मेर और इस क्षेत्र की बात करें तो यहां पर जो तमाम प्रकार की बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ का सियासी घटनाक्रम इस बार ऐसा हुआ है जिस पर पूरे प्रदेश की नजर है। बात चाहे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी की करें या फिर युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की करें, तो तमाम मुद्दे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आप लोग हमें ट्विटर अकाउंट अशोक शेरा 94 पर जाकर के फॉलो कर दीजिए। वहां हर एक छोटी छोटी खबर आपको सबसे पहले अपडेट वहां पर आपको मिलेगी और ये भी आपको बताएंगे तमाम वीडियो में कि बाड़मेर और बागी का क्या इतिहास रहा है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बागी होने वाले तमाम नेताओं का क्या इतिहास रहा है, बाड़मेर में इस बार आरएलपी का क्या वजूद रहा है और इस बार किस विधानसभा से कई नेता जो आपस में नाराज थे उनका किन लोगों का जो है आपसी सहमति बन गई है, तमाम बातें आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया।